सेक्शन 12 क्या करता है, ये परिभाषा देता है मूल अधिकार का कि भाई साहब ये जिंदगी जीने के लिए अधिकार ही है, ये जरूरी है, लेकिन इस पर कभी कभी रोक लगाया जा सकता है। और ये सरकार को एक तरह से ये कहता है कि सर स्टेट, देखिए यहाँ सरकार का प्रयोग ही नहीं किया गया, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि स्टेट, अब स्टेट यानी राज्य, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मूल अधिकार को छीन रहा हो या मूल अधिकार पे मतलब रोक लगा रहा हो, वो स्टेट ऐसा कभी कोई कानून नहीं बनाएगा। लेकिन स्टेट जो है वो लोगों के अंदर कानून का डर बनाने के लिए कुछ नियम कानून जरूर रखेगा। तब यहाँ बात हो गया स्टेट में कौन स्टेट, गुजरात महाराष्ट्र की कौन, तब यहाँ स्पष्ट बताया गया कि देखिए स्टेट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटी जैसे मतलब आपकी मुखिया हो गए लोग, मेयर हो गए लोग, जैसे बम्बई का देखिए ना BMC कंगना रनौत की बिल्डिंगे के ऊपर बुलडोजर गिरा दिया, ये राजनीति की वजह से ना हुआ है भाई, आप उसका नक्शा थोड़ा इधर उधर था तो आप उसको 24 घंटा का अल्टीमेटम देके घरे तोड़ दीजिएगा। तो ये हालांकि उनको पावर है, थोड़ी भी गलती करिएगा तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि जिनको जिनको पावर है वो अगर मान लीजिए पावर नहीं देगा तो जिसका मन जैसे घर बना देगा सड़किए पे, कोनो घर बना देगा, पता चला ए और चाचा है ए और बड़का पापा घर बना के सड़किए पे ऊपर से मिला देगा और नीचे से कोनो हैवी ट्रक जाएगी तो लड़ जाएगी, तो क्या उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी गली गली खोजेगी कौन घर ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके लिए लोकल बॉडीज बनाएगी, ये गाँव है तो मुखिया, बड़ा शहर है तो चेयरमैन या मेयर, तो वही होता है लोकल गवर्नमेंट, इनको पावर है। अब पता चला पावर, देखिए सरकार जनता पर दबाव बनाना भी जरूरी है, नहीं तो अराजकता आ जाएगी। जैसे बिजली बिल है, पता चला बिजली बिल जाना ऐसे उखाड़ लीजिए, इसे टोका फंसा लीजिए, बिजली बिल मत दीजिए। अब क्या है कि अगर हम बिजली बिल को अधिकार नहीं देते बिजली बोर्ड को, तो फिर हमको कुछ दबाव ही नहीं बना सकती थी, तो बिजली बोर्ड भी बना सकती है, ONGC भी, अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके पास कुछ अधिकार है वो जनता पर दबाव बना सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 12 यही कहता है कि व्यक्ति का मूल अधिकार है, उसे अन्यथा या कोई बिना वजह आप छीन नहीं सकते हैं, लेकिन समाज को एक अच्छे ढंग से नियम कानून से चलने के लिए कुछ आप नियम कानून बना सकते हैं। कौन बना सकता है, तो वो स्टेट बना सकता है। संविधान स्टेट किसे कहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सबको, वो जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अपने आप में एक स्टेट है, जहाँ एयरपोर्ट रहता है वहाँ आपकी ज़मीन है ना, तो 5 तल्ला घर नहीं बना सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जहाज जो आएगा ना तो घर में चारों ओर घर बना देंगे तो पायलट खोजेगा कहाँ उतारे, तो दूसरा का कह गए महाराज पीछे चल गया, नहीं बना सकते हैं। तो कुछ अथॉरिटी देना जरूरी है। तो स्टेट का मतलब ये मत समझिएगा यूपी बिहार है, ये संविधान की भाषा थोड़ी अलग होती है। तो ये हो गया हमारे संविधान का अनुच्छेद 12। अब अनुच्छेद 13 ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, ये अल्पीकरण कहता है, अल्पीकरण को इंग्लिश में कहते हैं डेगोरेशन। ये डेगोरेशन क्या है, कहता है कि हमारा मूल अधिकार जो है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारे मूल अधिकार से, हमारे अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ होता है तो फिर वो हमारा मूल अधिकार नहीं है। जैसे हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोनों को गरिया देंगे भाई, हमारी आज़ादी हम कुछ भी बोले तो उसकी भी तो आज़ादी है भाई, शान से जिंदगी जिए। तो हमारा ये अनुच्छेद 13 कहता है आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा। कब घटा जाएगा, जब वो असंगत हो जाएगा। असंगत मतलब क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। अब ये इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है, असंगत, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो। अब हमें जैसे हमको अधिकार है हम गाड़ी चलाएं, कोई को घर में चला दे घुस जाओ, हमारा अधिकार है कि हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, तो किसी के बेडरूम में घुस जाओ कह दो कुंजी कर रहे तुम, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई। तो यही कहता है कि की आजादी है, लेकिन याद रखिएगा ये आजादी तब तक ही है जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझिए, हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये अनुच्छेद 13 कहता है कि इससे पहले बहुत सारे कानून बने थे, वो कानून अभी भी लागू रहेंगे। जैसे हमारी IPC की धाराएं वगैरह, वो 1860-61 की बनी हुई है सब, वो अभी भी लागू रहेंगे। यानी संविधान के बनने से प्री कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी अगर कोई कानून बना हुआ है तो वो लागू रहेगा, बशर्ते वह कानून वर्तमान संविधान में दिए गए मूल अधिकार को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। जैसे पर्सनल लॉ, अब ये पर्सनल लॉ क्या होता है, तो हिंदू मुस्लिम के लिए एक अलग अलग कानून है, पर्सनल लॉ है कि इसमें हर चीजें अलग अलग लिखी गई हैं। तो इसी पर्सनल लॉ में है कि भाई मुसलमान पे एक शरिया का कानून लगेगा, उसमें इस्लामिक कानून लगेंगे, हिंदू धर्म में भी है, कुछ हिंदुइज्म के कानून है जो मुसलमानों पे नहीं लगते, मुसलमान के कानून हिंदू पे नहीं लगते। इसीलिए ना गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक समान सिविल संहिता लाएंगे, एक समान कानून लाएंगे जो हिंदू मुस्लिम दोनों फॉलो करो। अब इसी
कहा गया है कि जैसे पर्सनल लॉ, चलिए अच्छा है, ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो अनुच्छेद 13 कहता है कि पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब इसी पर्सनल लॉ में था तीन तलाक। अब तीन तलाक में सायरा बानो ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सायरा बानो केस किया तो यहां से मौलाना लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, कहे जज साहब पगला गए का, ये पर्सनल लॉ का मैटर है तीन तलाक, आप कहां से इसमें घुस जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना लोग को झाड़ दिया, कहा कि आप खान सर का क्लास नहीं किए हैं, समझिए कैसे कि पहले बन, ये पर्सनल लॉ 1937 में बन गया था, मतलब ये तीन तलाक का नियम जो था तलाक बिद्दत 1937 से चलते आ रहा है संविधान से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खान सर का क्लास देख लीजिए, उसमें स्पष्ट बोला गया है कि संविधान के पहले के बनाए गए सारे नियम कानून रहेंगे, बशर्ते वो किसी के अधिकार को न छीन रहे हों। तो तीन तलाक जो है वो पुरुष को अधिकार दे रहा है, लेकिन इस अधिकार में न जाने कितनी महिलाओं की लाइफ खराब हो जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका पर्सनल लॉ रहेगा, लेकिन उस पर्सनल लॉ में से जो तलाक बिद्दत है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जनता को लग रहा है तीन तलाक खत्म हो गया, अभी भी है। तलाक तीन टाइप का था, तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। तो तलाक बिद्दत जो था वो असंवैधानिक था, उसे दिया गया है, खत्म किया गया, न कि तीन तलाक है। ये आगे अनुच्छेद 25 में समझाएंगे, अभी तो अनुच्छेद 13 है। यानी ये जैसे पहले देखिए, पहले कानून था, एक एजुकेशन एक्ट आया था भारत में कि जो छोटे जाति के लोग रहेंगे, दलित रहेंगे, वो क्लास में घुस के नहीं पढ़ेंगे, वो बाहर पढ़ेंगे। अब आप बताइए, आज वो कानून पहले जो था अभी लागू रहेगा, खत्म कर दिया गया। तो ये अनुच्छेद 13 यही कहता है कि पहले के कानून जितने भी हैं वो लागू रहेंगे, बशर्ते अभी के कानून को वो तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हो। तो ये 13 बहुत जरूरी है। और ये कहता है कि सरकार भी ध्यान रखेगी कि बाद में भी ऐसा कोई कानून ना बनाए जो उसके मूल अधिकार को छीन रहा हो। अब पता चला सरकार बाद में कानून बना देती है कि आप चारों ओर नहीं घूम सकते, सरकार पे सवाल नहीं उठा सकते, तो कहे रे 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 सरकार न पढ़ रहे हो अनुच्छेद 13 कि आप ना पहले का ऐसा कोई कानून ना बाद में ऐसा कोई कानून। ये है भीमराव अंबेडकर, इस पर बहुत बड़ी बहस चली थी अनुच्छेद 13 को लेके। आप सोच सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ढंग से संविधान लिखा गया है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया। और याद रखिए, ये जो नेता है ना जो संसद में बैठे रहते हैं, बेच दिए रहते हैं आपको, ये जो संविधान है ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते हो। अगर आप ईमानदार समझते हैं तो वाकई समझिए कि जो संविधान बनाने वाले थे वो ईमानदार थे, वरना इन लोग को अभी दे दिया जाता तो बेच खा जाते सब। तो ये उन्हें रोक के रखता है अनुच्छेद 13। आप याद रखिएगा, ये अल्पीकरण है, कब, जब आप दूसरे को तकलीफ देने लगते हैं।